हेलो एंड राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में डोसे की रेसिपी शेयर करने चल रही हूँ, मसाला डोसा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये एक नाप से लें तो उसमें 4 कटोरी चावल, इसको धो के भिगा दिया 5 से 6 घंटे के लिए, और एक उसी कटोरी से भर के उड़द की दाल, और आधी कटोरी उसी कटोरी से मूंग की दाल। ये मैंने सब भिगा दिया है। अब फूल जाने के बाद जब सोख हो जाए अच्छे से, ये सोख ले तो सोख हो जाने के बाद इसको पीस लें, एकदम बारीक पेस्ट बना लें। देखिए ये चावल का पेस्ट बना लिया, उसके बाद उड़द को भी पीस लेते हैं। उड़द को थोड़ा अच्छे से पहले धो लें, उसके छिलका अलग कर लें। इस तरह से रगड़ रगड़ के इसको धोएंगे। छिलके की दाल अगर आप भिगाए हैं तो, नहीं तो वैसे छिलके की दाल ज़्यादा टेस्टी लगती है, नहीं तो आप बिना छिलके की धुली हुई दाल भी भिगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से धो लेंगे तो इसकी जो कढ़ाई यानी कि इसका जो छिलका है एकदम अलग हो जाएगा। धीरे धीरे 6 से 7 पानी धोने के बाद बिल्कुल छिलका अलग हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बारीक पेस्ट बना लें। देखिए उड़द की दाल को भी पीस ले रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालें, इसको एकदम बारीक पेस्ट बना लें। थोड़ा और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा और डाल के और बारीक पेस्ट इसको कर लें। इसमें इडली बनाने के लिए ये परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, और अगर डोसा बनाना चाहते हैं तो इसको पतला करना होगा। आइए डोसे की फिलिंग बना लेते हैं। सबसे पहले आलू को मैश कर लेते हैं, मिर्च और प्याज। अब कढ़ाई को गैस पर रख लेते हैं, आलू बना लेते हैं डोसे का मसाला। तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, लहसुन अदरक प्याज डाल दिया, उसको लाल होने तक भून लें, उसके बाद मसाला डाल दें। हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा मसाला डाल दिया, सब्जी मसाला ही है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, मसाले को मिला के अब सब मिक्स कर देते हैं, एक साथ पक जाए, उसके बाद आलू डाल दें। इसे खूब अच्छे से भूनते हुए इसमें नमक डालें, अमचूर डालें, अच्छे से इसको खूब बढ़िया भुनें जिससे सौंधी खुशबू आने लग जाए। थोड़ा सा अमचूर डाल दिया इसमें हल्की सी खटास के लिए। ये अब अमचूर डाल दिया, अमचूर डाल के इसको खूब अच्छे से और थोड़ी देर तक भुने। भुनने के बाद इसमें धनिया पत्ती मिलाएं, धनिया पत्ती अच्छे से मिला के इसका फ्लेम ऑफ कर दें। थोड़ा सा घोल दूसरे बर्तन में पलट लिया, इसको पतला कर लेते हैं और इसका बनाते हैं डोसा।
आइए बिल्कुल कुरकुरे डोसे बना के तैयार करते हैं, एकदम करारे। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। तो सबसे पहले पानी का छींटा कढ़ाई के ऊपर डालें, जिससे इसका टेम्परेचर सही हो जाए और इससे जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो बैटर को करछी से किसी डालें और उसको उसी से सीधा फैला दें, जितना पतला फैला सकें उतना पतला आप फैला लें। उसके बाद उसमें थोड़ा बटर या घी, जो आपको पसंद हो, ऑयल, उसको डाल दें हल्का सा, और करारा हो जाएगा इससे। उसके बाद हल्का से इस तरह से छुड़ा लेने से आसान होता है बाद में उठाना, आलू डालने के बाद इस तरह से अगर आप निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ही साइड में, ऊपर की साइड में इसको पलटना नहीं है, सीधा इसके ऊपर फिलिंग को, आलू की जो फिलिंग हमने बनाई है उसमें, अच्छा आलू की फिलिंग में आप लोग पनीर, मटर, सारी चीज़ें अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। हमने आलू का ही मसाला डोसा बना रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर आलू की फिलिंग को फैलाएं। तो आलू को आप अपने तरीके से फैलाएं, चाहे एक साइड में पूरा लगा लें या रोल बना के भी बना सकते हैं। आइए एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, पानी का छींटा लगाया, उसके बाद डोसे का बैटर डाला और फैला लिया। उसके बाद हल्का सा ऑयल डाला, घी या बटर जो इच्छा हो आपकी, क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है, इसमें फटाफट छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल करारे डोसे बनके तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।